अंदर की सरपरस्ती में एक तंजीम के जरिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद के क्रोश जो बैरूनी लोगों के दूसरे अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको दी जा रही है एसोसिएशन की तरफ से। तो ये कई मुकाम पर ये तंजीम ने गरीबों की मदद की है। आज भी यहाँ पे यादवपुरा असेंबली हल्के के इलाके तालाब पट्टे में यहाँ पर जितने बाहर के लोगों को चोरी बना के उनकी मजदूरी दिए, तो गरीबों की हमदर्दी और गरीबों की मदद के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। और इस दौर में गरीबों की जितनी मदद की जाए कम है। दरअसल मैं कमेटी के तंजीम के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पास डॉक्टर नितिन सुल्ताना साहब यहाँ पर साथ वहीं साहब की निगरानी में इस्तेमाल किया गया। इंशाल्लाह आइंदा भी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से ये इमदादी काम जारी रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 मिग्रेंट्स में राशन किट तकसीम किए गए महल अहमान नगर जी में। हमारे MIM के सदर साहब की हिदायत पे MLA साहब की निगरानी में और कारपोरेटर साहब की निगरानी में 100 मिग्रेंट्स में राशन किट आज तकसीम किए गए हैं। सराउंड एम्बेसी अमन नगर जी खाजा भाई की लकड़ी टाल के पास यूपी बिहार लखनऊ मध्य प्रदेश के जो लोग यहाँ पर रह रहे थे अनाज के लिए परेशान थे, हम तमाम अमन नगर जी MIM कमेटी NGO से रबत कायम करके इनने अनाज का अरेंजमेंट करा और अलहमदिल्ला आज पूरा तकमील हो गया, सुबह में तकसीम हो गया। तेलंगाना स्ट्रीट सेंटर की तरफ से ये कैंप लगाए जो है एसेंशियल कॉमोडिटीज राइस और ऑयल पूरे दे रहे इसको और 100 लोगों को इधर देने का था और ये बांट रहे इधर। और ऐसा 2-3 हज़ार लोगों को ऐसा ये लॉकडाउन पीरियड में बांट रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑनरेबल गवर्नर तमिलसाई राव सौंदरराजन के अंदर काम कर रही है और ये BSNL का टाइप से कर रही है।